हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मॉमी बर्स। आज हम बात करेंगे स्वेलिंग ड्यूरिंग एडवांस प्रेगनेंसी और इससे कैसे डील किया जाए। ऐसा क्यों होता है? जब आप प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेजेस में पहुंचते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ कुछ हिस्सों में सूजन आ रही है, स्पेशली आपके निचले हिस्सों में, जैसे कि आपका एंकल या लेग्स। किसी किसी में ये भी देखा जाता है कि हाथ के रिस्ट एरिया में आपका सूजन आया है। सूजन या इडिमा भी बोला जाता है इसको। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बॉडी अधिक मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस करता है। इस दौरान आपके बढ़ता हुआ यूटेरस, बड़े वेन्स जो आपके दिल तक खून सर्कुलेट करता है, उस पर दबाव डाल सकता है, जिसके कारण आपके बॉडी के निचले हिस्सों में एक्सेस लिक्विड सब्सटेंस जमा हो सकता है। इस दौरान नसें आपके सूज सकते हैं, या तो पर्पल कलर के भी हो सकता है। इन्हें वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर डिलीवरी ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने पैरों में ज़्यादा समय खड़े ना रहे, और अगर आपको ऐसा काम करना हो जिसमें आपको खड़े रहना पड़े तो बीच बीच में ब्रेक ले और थोड़ा बैठे। अगर हो सके तो चेयर पे या तो किसी भी चीज़ के सपोर्ट से थोड़ा सा अपने पैरों को ऊपर रखे। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करें। रात को सोने के टाइम पे अगर हो सके तो पिलो के मदद से थोड़ा सा पैर ऊपर रख के सोए। अगर इन सब के बाद भी आपको तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट की मदद ले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं लीदी हूँ विदा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।